हाय दोस्तों, हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है। आज के अपने इस छोटे से वीडियो एपिसोड में हम देखेंगे कि एक सिंगल पिवोट टेबल पर एक से ज्यादा स्लाइसर्स आप VBA के कोड से कैसे ऐड करते हैं। हमारे पास रीजन वाइज प्रोडक्ट की ये सेल की एक पिवोट टेबल है। इस पर मल्टीपल स्लाइसेस हमको ऐड करने हैं। अगर आपको एक्सेल में स्लाइसेस ऐड करने हो तो वो बहुत आसान है। पिवोट टेबल पर आप किसी भी सेल में क्लिक करेंगे, उसके बाद आप पिवोट टेबल एनालाइज टैब पर जाएंगे। यहाँ पर आपको जाना है फिल्टर ग्रुप में, और इसमें जो पहला ऑप्शन है इंसर्ट स्लाइसर, इस पर क्लिक करेंगे। एक नया मेन्यू आपका ओपन होगा। इसमें आपको जितने भी आपके फील्ड हैं पिवोट टेबल में यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब जिस जिस फील्ड का आपको एक स्लाइसर ऐड करना है, उसके आगे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करके ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, तो जितने आपने फील्ड वहां पर सेलेक्ट किए होंगे उतने आपके स्लाइसर्स आपकी एक्सेल की सीट में ऐड हो जाएंगे। अभी के लिए इन दोनों स्लाइसर्स को हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट, और फिर अल्ट F11 की प्रेस करके आ जाते हैं VBA एडिटर पर, और VBA का कोड लिखते हैं जिससे हम एक से ज्यादा स्लाइसर अपनी सेम पिवोट टेबल पर ऐड करेंगे। जैसे कि आपको पता है, स्लाइसर ऐड करने के लिए पहले हमें स्लाइसर कैसे ऐड करना होता है, तो करते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे दिस वर्कबुक डॉट स्लाइसर कैसेस डॉट ऐड टू। अब इसके अंदर पहला जो पैरामीटर है यहाँ पर हमको देनी है वो पिवोट टेबल या टेबल जिस पर हमको स्लाइसर्स ऐड करने हैं। तो वो हमारी पिवोट टेबल है seat1 में, और सिंगल ही यहाँ पर हमारी पिवोट टेबल है जो कि हमारी seat1 है। उसका डोमेन नेम है seat2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं seat2.pivotTables, और एक ही पिवोट टेबल वहां पर है तो हम यहाँ पर दे देंगे 1। उसके बाद लगाएंगे कोमा, फिर देना है हमें सोर्स फील्ड, मतलब कौन सा फील्ड आपको स्लाइसर में ऐड करना है वो यहाँ पर हमको देना है। तो मान लीजिए हम ऑर्डर स्टेटस फील्ड को स्लाइसर में ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर हम लिख देंगे ऑर्डर स्टेटस। इसके बाद आपको अगर स्लाइडर कैसे का कुछ नेम देना है तो दे सकते हैं, हम नहीं देते हैं। और स्लाइडर कैसे टाइप बाय डिफॉल्ट आई थिंक स्लाइसर ही होता है, तो हम इसको भी नहीं देते। उसके बाद अब लगाएंगे डॉट, फिर लिखेंगे स्लाइसर्स डॉट एड। अब यहाँ पर पहले हमें देनी है सीट, इस सीट में हमको स्लाइसर ऐड करना है, हम seat1 में ही करेंगे। seat1 का यहाँ डोमेन नेम लिख देते हैं, seat2 लेवल हम नहीं देंगे, नेम भी हम नहीं देते हैं, कैप्शन दे देते हैं इसका ऑर्डर स्टेटस ही कर देते हैं, ऑल राइट। और क्योंकि इसके रेफरेंस को हम किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा रहे हैं तो यहाँ पर हमको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। सो ये इतना कोड हमारा तैयार हो गया जिससे एक स्लाइसर हमारी सीट में ऐड हो जाएगा। अगर हमको एक से ज्यादा स्लाइसर ऐड करना है, इसी कोड को हम कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे। जितने भी आपको स्लाइसर ऐड करने हैं उतनी बार इसको पेस्ट कर देंगे। हम सिर्फ दो ही स्लाइसर ऐड करते हैं, और जो दूसरा स्लाइसर होगा वो हम चाहते हैं उसमें हमारा रीजन पे फिल्टर लगे, तो रीजन के लिए स्लाइसर ऐड करते हैं। उसके लिए सिर्फ इसका नाम हमें चेंज करना है रीजन, और यहाँ पर कैप्शन भी चेंज कर देते हैं, जो ऊपर स्लाइसर पे आएगा उसको भी कर देते हैं रीजन। सेव करें, कोड रन करें, एक्सेल की सीट में आए तो आप देखेंगे आपके दो स्लाइसर ऐड हो गए हैं। बहुत आसान है ना दोस्तों। और अब आप अगर इन स्लाइसर्स में किसी भी बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आप देखोगे परफेक्टली एकदम काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही, हमने बहुत एक छोटी सी वीडियो बनाई है, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी। बाय।